देखिए ऐसा है कि मैं मुंबई से छत्तीसवादी हूँ, मैं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को संभालता हूँ, वातिशिवा रामदास हूँ, मेरा घर यूपी में है और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत हम भी उतर दिन ब दिन बीजेपी के राज में ख़राब होती जा रही है। वो बीजेपी जिसने जितने वादे किए सब झूठे, यानी इतना बड़ा झूठ बोलने वाली सरकार हम कितने आज तक भी दिखी नहीं। यहाँ हिंदुत्व की बात करते हैं, हमारे हिंदू भाइयों की लाशें गंगा जमुना में जब बह रही थी पूरी दुनिया देख रही थी, कुत्ते खा रहे थे, शमशान में लकड़ी नहीं, महंगाई अपने उरूज पर चली गई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कब कौन खा के मार दिया जाएगा पता नहीं, कोई भी संविधान के दायरे में रहकर सरकार की टिप्पणी करे तो उसको जेल भेज दिया जा रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो सरकार आज हिंदू मुस्लिम की एकता को ख़त्म कर रही है, गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रही है, गांधी जी के कातिलों की मंदिर बनाती है, कहती है क्रांतिकारी थे गोडसे, तो ऐसे में मेरा ही नहीं बल्कि देश के एक एक व्यक्ति का जो इस देश से प्रेम करते हैं उनका ये हक हो जाता है, उनका ये काम हो जाता है कि वो निकले और बीजेपी को इस सत्ता से हटाएं। जो बीजेपी उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का दिल है, सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ से जो निकलता है वही दिल्ली में बैठता है। तो मैं आया हूँ आज यहाँ और मैं कई जगह जाऊँगा, 24 तारीख तक मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो मैं तमाम लोगों को बीजेपी की असलियत और समाजवादी पार्टी ने क्या किया है और कौन बीजेपी से लड़ रहा है बता करके समाजवादी पार्टी की सरकार बने, बीजेपी जाए, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे आजमगढ़ का नाम बदलने के लिए उससे क्या करें सर? नहीं, इनका मैंने तो उस दिन भी कहा था कि आजमगढ़ को बसाने वाले का नाम था आजम शाह जी, आजम शाह, मेरा नाम अबू आसिम आजमी है, आजमगढ़ के नाम पर आजमी रखा हुआ है। अब आप नाम बदलने से क्या किसी का पेट भर जाएगा, क्या कोई बिजनेस, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नाम जहाँ नज़र आता है वो बदल देना है, मुसलमान जहाँ नाम आया उस पर पोलराइजेशन कर लेना है, यानी इस तरह की चीज़ें। मैंने कहा कि बहुत यूपी में जगहें खाली पड़ी हैं, बंजर ज़मीनें हैं सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक, तो कहते हैं ना एक शायर ने कहा कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। और अखिलेश जी ने कहा है कि इसकी स्याही सूखने नहीं पाएगी नाम की, उसके बाद मैं आकर फिर नाम में सही लाग कर दूँगा। किसान बिल वापसी नहीं, नहीं, अरे दुनिया समझ रही है किसान बिल वापसी कब हुई है, मतलब क्या क्या सबको बेवकूफ़ समझते हैं मोदी? अब अहंकार, इतना अहंकार कि किसान पिछले 11 महीनों से बैठा है और रिकॉर्ड 700 किसान बेचारा शहीद हो गया, 700, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन। अब इनको लगा कि ज़मीन खिसक रही है तो इन्होंने ना चाहते हुए बड़े अफसोस के साथ ऐलान किया है कि हम बिल वापसी करते हैं, थूक के चाटा इन्होंने। और याद रखिए जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आप जो है सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं, आप वोट के लिए कर रहे हो और आपने कोई वादे नहीं पूरे किए हैं, जितने वादे किए हैं सब तो झूठ है। तो मुझे लगता है कि इस बिल वापस हो जाए बहुत अच्छी बात है, बधाई देना चाहता हूं किसानों को कि तुम्हारा आंदोलन रंग लाया, मगर मैं सलूट करता हूं उन किसानों को जिन्होंने एक साल तक 700 किसान शहीद, उन शहीद किसानों को शहादत का दर्जा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, उनके परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए और इस झूठी सरकार के बहकावे में कोई आएगा नहीं, अब तो इनको हटा ही देना है। आजमी साहब, एक सवाल मुंबई से, कंगना रनौत जिस तरह से बयानबाजी कर रही है उस पर क्या कहना? उस पर तो जेल में रहना चाहिए था, अफसोस है कि जेल में टिकने की औरत जो हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बड़ी कुर्बानी दिया, उलमाए कराम ने कितनी बड़ी कुर्बानी दिया, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक उलमाओं की लाशों को मार करके शहीद करके उनके हर पेड़ पर कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था दिल्ली से अमृतसर तक जहां मुसलमानों के उलमाओं की को शहीद करके उनकी लाशों को लटका गया, और वो कहती है कि वो भूख मिली थी, वो सही आज़ादी नहीं थे, सही आज़ादी 2014 में मिली, ये सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटने वाले लोग हैं, जो मोदी से कुछ मिल जाता होगा इसकी तारीफ करें। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का जो अवार्ड मिला है तुरंत छीन लेना चाहिए और इनको जेल भेज देना चाहिए। जिस तरह से यूपी के चुनाव में ओवैसी साहब की एंट्री हुई है, क्या लगता है कितना इफेक्ट होगा, कितना नुकसान होगा? नई बात थोड़ा है, पहले भी हुई थी और ऐसे लोग कितने आते रहते हैं। अभी ऐसा है ना कि अब देखा जा रहा है ये कि समाजवादी पार्टी बढ़ रही है,
माइनॉरिटी पूरी समाजवादी पार्टी के साथ है। अब ये जो कहें ये वोट तो ले नहीं सकते बीजेपी के लोग, माइनॉरिटी उनको वोट देंगे नहीं क्योंकि हमेशा माइनॉरिटी के खिलाफ ही बोलते हैं, तो माइनॉरिटी का वोट छिटपुट कैसे हो जाए ये कोशिश उनकी हो रही है। आए जिसको मैदान में आना आए कोई बात नहीं है, परंतु जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता जानती है कि अब की बात अगर हराना है ना तो जो सरकार बनाएगा उसी को वोट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा।